300 के बजाय 2000 करेगा, तुझसे मैंने 5000 रुपए। जान ये है कि मेरे साथ धोखा हो गया। आज ऐसी चीज बताने वाला। अस्सलाम वालेकुम तो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज माय व्लॉग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माय ओपिनियन विद यू। तो आज की व्लॉग में हमारी दुख भरी कहानी है दोस्तों, मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है, आपने सुनी होती है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उम्मीद है आपको मेरी कहानी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको मैं ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, आपको आएगा मजा। मजा ना आया तो पैसे वापस। तो दोस्तों, मेरी दुख भरी कहानी ये है कि मेरे साथ धोखा हो गया। कल मैंने एक बंदे को 2000 इजी पैसे किए, उसने मुझे बोला कि मैं आपको चीज भेज दूंगा, जो कि मैं लेने वाला था माइक। उसको मैंने 2000 भेज दिया, अभी तक वो आया नहीं है, मैं क्या करूँ? आप बताए, आप 2000 का नुकसान कर गया हूँ मैं। लगता बद्दुआ लग गई है किसी की। रो लू नहीं, क्या करूँ बताए आपको? बख तू उसको या उधर उस जहान में साफ करेंगे। क्या करूँ यार, इतने धोखे हैं यार, इतने धोखे हैं यार। मेहरबानी करो 2000 रुपए की, लेकिन अपना ईमान खराब करते हो आप लोग यार। ऐसा क्यों करते हो आप लोग यार? कहीं यह करना तो नहीं हुआ मेरे साथ? रुको, जानी बात सुन। जो 2 महीने पहले, बल्कि महीने पहले, जो तुझसे मैंने 5000 रुपए लिए थे और मैंने तुझे अभी तक वापस नहीं किया, तूने मुझे बख्श दिया ना भाई? तूने मुझे बोला था जब हुए दे देना, मेरे पास अभी है नहीं, तो इसलिए मैंने बोला बख्श दिए तो ज्यादा अच्छा। नहीं बख्शे? अच्छा आवाज सुन, उस दिन तेरी शॉप से मैंने जो क्या नाम है एक चॉकलेट खा ली थी 300 वाली जो थी, तो वो क्या तूने मतलब मुझे बख्श दिए कि नहीं यार? तूने तो मुझे बोला था खा ले। अबे तुझे मैंने बोला था कि मैं खा लूँ, तूने कहाँ खा ले? पैसों की तो बात ही नहीं हुई थी देने। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है ये कर्म है, उनकी बदवा लगी, इसलिए मेरा 2000 नुकसान हुआ है। इससे पहले 5000 हुआ था। 300 के बजाय 2000। और तो दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट करके बताएं। और शुक्र है 5 के बदले 5। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपने किसी के साथ ज्यादा नहीं करी। अगर ज्यादा करोगे तो आपको ऐसे ही होगा जब मेरे साथ हुआ, तो आपने किसी के साथ ज्यादा नहीं करी प्लीज, लिहाजा स्टे ट्यून्ड रहे मेरे साथ। तो मैं जा रहा हूँ फार्मेसी, और फार्मेसी जाके मैं आपको आज ऐसी चीज बताने वाला हूँ दोस्तों कि आपको आ जाएगा मजा, और ये मजा मैं पूरे पाकिस्तान को दूंगा, साथ 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 मुखालिफों को भी। इंशाल्लाह आपने एंड तक मेरे साथ रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सुनो दोस्तों, मैंने सुना है कि हर एक दिन एक नया दिन होता है, लेकिन हमारा दिन ऐसा नहीं होता, हर दिन वैसा का वैसा ही होता है जैसे हम कल गुजार के गए होते हैं। तो लिहाजा इसमें कोई चेंजेस नहीं होती मेरे भाई, ये तो सिर्फ मूवीज में होती है। अंकल जी कैसे हैं? ठीक है, जबरदस्त। अल्लाह हाफिज। आओ ना, आओ ना दुकान पे, आओ ना, खिदमत करने है थोड़ी। तो दोस्तों, फाइनली फार्मेसी पहुंच चुका हूं मैं, और ये है हमारे असफन भाई, द वन और ओनली हसन खान। ये है फारूक, और ये आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे हमारे दोस्त हैं जाफर साहब, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बंदे हैं ये, और इनसे मिल के आपको मैं चैलेंज किया कि एक दिन इंटरव्यू करूँगा इनको मैं। तो दोस्तों, फाइनली मैंने इनकी खिदमत कर दी, उम्मीद है इनको कुछ रिलीफ मिल गया होगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा व्हाइटनिंग क्रीम के बारे में, जो व्हाइटनिंग क्रीम आप यूज कर सकते हैं अपने स्किन के लिए, तो वो है जी क्लेरी मैक्स। किसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे फार्मासिस्ट असन भाई इसके बारे में क्या कहते हैं। असन भाई, क्लेरी मैक्स के बारे में बताएं कि ये लोग कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस चीज के लिए फायदा मंद। असन भाई इसके बारे में बताएं कि ये किस चीज के लिए बेस्ट है। ये वार्निंग भी देते हैं जी, रिंकल के लिए भी, से और साथ प्रकट के भी खत्म करेगा। ठीक है, अच्छा, और इससे बड़ा क्रीम है, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको। हां जी, हम नॉर्मल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी, ये भी यूज कर सकते हैं हम, जीलाइट क्रीम, ये भी सेम पर्पस है, ये भी सेम पर्पस है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मेंडेलेक मैंने निकाली, ये भी सेम पर्पस है, ये ले सकते हैं लोग। मेंडेलेक, हां मेंडेलेक भी है, ये भी सेम है, सेम है जी, सही है। और इसके अलावा मैंने खाली इवेंटॉन सी सबसे बेस्ट है ना हसन भाई? तो आप ये कहीं से भी पता करके ना, इसको इस्तेमाल करके ना अपनी स्किन को मॉइस्चराइज एंड साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम दुकान बंद कर रहे हैं, तो अमर भाई हिसाब किताब हो गया, टाटा कर दे, टाटा बाय। तो दोस्तों, हम दुकान बंद कर रहे हैं अभी, और रात के 12 बज चुके हैं, और हमारी यही लाइफ है, सुबह आते हैं रात को 12 बजे दुकान बंद करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। जावर साहब, शटल नीचे कर लें।
तो दोस्तों इसी के साथ हुआ जाता है एक और दिन का अख्तिताम। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।